देवरिया के फतेहपुर नरसंहार में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। गांव में एसडीएम के नेतृत्व में आधा दर्जन लेखपालों और कानूनगों ने पूरे दिन प्रेमचंद यादव के साथ साथ ही अन्य आरोपियों के घरों के आसपास की जमीनों की नापजोक की है। पता चला है कि प्रेमचंद यादव के नए मकान का कुछ हिस्सा खलिहान की जमीन पर बना है, ऐसे में इस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें पूरी रात छापेमारी करती रही। इस दौरान अलग अलग जगहों से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मासूम अनमोल के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया था कि इलाज में कोई कमी ना हो। बीते सोमवार को सुबह फतेहपुर के लड़हा टोला पर भूमि विवाद को लेकर अभयपुरा टोले में रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रेमचंद के परिजनों ने भीड़ के साथ पहुंचकर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटी और एक बेटे को मार डाला था। अनमोल को मरा समझ लिया गया था, लेकिन उसके सांसें चल रही थी, जिसका इलाज अभी फिलहाल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। न्यूज़ डेस्क।